अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से और ठीक ठाक हूँ। तो आज आप लोग मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं मेरी प्यारी सी बहन सितारा यासीन की। तो मैंने सोचा ये सितारा यासीन के बारे में बहुत सारे लोग जो ने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, मैंने भी वीडियो बनाई थी सितारा यासीन जो मेरी प्यारी सी बहन है इनकी सपोर्ट के लिए। तो आज सितारा यासीन बहुत टाइम बाद इतनी सारी यानी माशाल्लाह से खुशियाँ मिली हैं उन्हें, माशाल्लाह दोनों बेटियों की अपनी बर्थडे बना रही हैं और काफ़ी टाइम बाद वो कह रही हैं मैं बहुत खुश हुई हूँ और पूरी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया है। काफ़ी टाइम के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी दिखाई है और बहुत हैप्पी थी पूरी फैमिली माशाल्लाह से, और जो भी उनके मेम्बर्स थे वो लोग भी बहुत खुश थे। आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे तो मैंने सोचा चले मैं भी बहुत खुश हुई सितारा यासीन को देख के। मेरी प्यारी सी बहन इतनी तकलीफ़ों के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें ये खुशी दिखाई है, अपनी बच्चियों की बर्थडे बनाई है उन्होंने और बहुत अच्छी जगह जाके बनाई है उन्होंने, पानी की जगह पे। और ये जो बर्थडे बना रही हैं तो यहाँ पर जो है ना ये एक शिप है और बहुत ज़बरदस्त व्यू भी लग रहा था माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं सितारा यासीन और उनके बच्चे सारे और उनके हस्बैंड भी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, अल्लाह पाक इनको ढेरों खुशियाँ दिखाएं। और यहाँ पर उनके बच्चे के माशाल्लाह से केक वगैरह भी दिखा रहे थे, इन्होंने केक वगैरह डेकोरेट कितने खूबसूरत किए हैं माशाल्लाह से। ये छोटी उनकी जो बेटी है माशाल्लाह बहुत प्यारी सी, तो ये उनकी पिक है और केक वगैरह भी बना के लेकर आए हैं, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिल ने कहा कि हम लोगों ने उनके गम के साथ हम लोगों ने उनका साथ दिया था जब वो बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थीं, उस मरहले में हम लोगों ने उनकी सपोर्ट के लिए एक वीडियो बनाई थी। तो मैंने सोचा चलें आज इतनी खुश हैं इतने टाइम बाद तो एक खुशी का भी हम लोग इजहार करें। और सितारा यासीन को हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक सितारा यासीन को ऐसी खुशियाँ हज़ारों नसीब देखना नसीब करे और अपने बच्चों के साथ हैप्पी रहे। और वो शुरू से अपने बच्चों को अपना बाजू बनाया है उन्होंने और शुरू से माशाल्लाह अपने बच्चों को बहुत अहमियत देती हैं, और वैसे भी एक माँ है और माँ तो अपने बच्चों को वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है, 70 माओं से ज़्यादा बढ़ के एक माँ होती है। तो यहाँ पर जो है ना केक वगैरह कटिंग करने का इंतज़ाम भी हो रहा था और माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू, मुझे बहुत खुशी हुई सितारा यासीन इतने टाइम बाद बहुत खुश हुई। और ये देखें इनकी छोटी बेटी कितनी क्यूट सी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, केक भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं और माशाल्लाह आप देख लें व्यू देख लें आप कितना प्यारा व्यू है। और ये सितारा यासीन साहब दिखा रही हैं आप लोगों को और मुझे भी बहुत ही अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं, सिंपल सी तैयार होती है लेकिन बहुत प्यारी होती है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको ऐसे ही अच्छा मुस्कुराता और खुशियों के साथ नसीब करे अल्लाह पाक, और हमारी सपोर्ट पूरी इनके साथ है और हम लोग इनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और सितारा यासीन का ज़रा भी कोई तकलीफ़ या दुख वगैरह होते हैं तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हम लोग इनके लिए दुआएं करते हैं। तो बस हम लोग अल्लाह से यही दुआ है अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, आगे ढेरों कामयाबी से नवाजे और अल्लाह पाक इनको खुशियाँ तर खुशियाँ दिखाएँ, इसी तरह हज़ारों खुशियाँ इनको नसीब करे देखना और अपनों के साथ खुशियाँ बनाने का हर एक छोटा सा छोटा मौका इनको मिले। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं, यहाँ पर उनको फर्स्ट टाइम इन्होंने डांस किया अपने हस्बैंड के साथ और हस्बैंड के साथ माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं और हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं इनके और माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो भी किया वो अब एक अल्लाह की तरफ से हुआ या जो भी है उसको तो हमको अभी छोड़ ही देते हैं क्योंकि इस वक्त है खुशी की बात, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुशियों वाली। और यहाँ पर देखें अपनी माशाल्लाह बड़ी बेटी का केक कट कर रही हैं और यहाँ पर माशाल्लाह गिफ्ट मिलने शुरू हो गए हैं और बच्चे बहुत खुश होने लगे क्योंकि बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सितारा यासीन ने माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी दोनों प्यारी सी बेटियों को अपनी गोल्ड का जो ये चैन है माशाल्लाह ये गिफ्ट किए हैं और ये देखें बहुत खुश हैं और माशाल्लाह बच्चियाँ भी खुश हैं और ये पहना रही हैं अपनी बड़ी बेटी को। और ये देखें आप माशाल्लाह से कितनी प्यारी प्यारी डेकोरेट की हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह जी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखें छोटी सी बेटी कितनी क्यूट लग रही है आयत माशाल्लाह, और प्यार नाम भी बहुत प्यारा है और माशाल्लाह वो है भी बहुत प्यारी। तो यहाँ पर तैयारी हो रही थी छोटी बेटी का केक काटने की, तो यहाँ पर माशाल्लाह से ये देखें छोटी बेटी आयत है, अब इनका केक कटिंग के लिए तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर केक कट हो रहा है छोटी बेटी का, तो यहाँ पर उनके मम्मी पापा आ गए हैं, यहाँ पर इनके मम्मी पापा आ गए हैं और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अच्छी पिक वगैरह भी बना रहे हैं लोग और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं सितारा यासीन मेरी प्यारी सी बहन। और यहाँ पर देखें अब ये हो रहा है केक कट, हैप्पी बर्थडे टू यू आयत। और यहाँ पर भी अपनी छोटी प्यारी सी बेटी को ये
गोल्ड का गिफ्ट जो है चैन, ये अपनी बेटी को पहना रही हैं। दोनों बेटियों को इन्होंने चैन पहनाई है माशाल्लाह से गोल्ड की, और बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ पर अब खाने का इंतज़ाम हो गया है, तो ये देखें खाने में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ अरेंज की गई हैं, और खाना भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ही लग रहा है। हर डिश अच्छी, अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी, यम्मी स्पाइसी है। और यहाँ पर सब खाना इंजॉय कर रहे हैं, बाकी साथ में जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह मेरी प्यारी सी जो बहन है सितारा यासीन, वो भी अब माशाल्लाह अपने खाने की तैयारी कर रही हैं। ये देखिए अपने बच्चों को भी खिला रही हैं, और अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं सितारा यासीन। माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको इसी तरह हिम्मत दे और इसी तरह अपने बच्चों को ख्याल रखे। और बस यहाँ पर सबने खाना वगैरह खाया है, और अब जो है ना यहाँ पर वापसी जाने की तैयारी हो रही है। और यहाँ सितारा यासीन अपनी सैंडल दिखा रही थी जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत उनको पसंद आएंगे, और यहाँ सब वापसी जाने की तैयारी हो रही है। और अपने वगैरह बच्चे जो है ना अपने गिफ्ट वगैरह संभाल रहे हैं। और ये देख लें आप, यहाँ पर सितारा यासीन ने अपनी इन सब को जो है ना अब अल्लाह हाफिज़ कह रही थी और इनको। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी सितारा यासीन की और मेरी ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। इसके साथ लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।